नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज तमाम दिन भर की काम की बड़ी खबरों को। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव की स्थिति पैदा होने की वजह से सोने और चांदी के भाव में इसका बड़ा असर देखने को मिला है। तो आज हम जानेंगे सोने और चांदी का ताजा भाव भी। नए वित्त वर्ष यानी कि साल 2020 में केंद्रीय बजट लॉन्च होने वाला है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से कुछ सुझाव मांगे हैं, जिसको लेकर पूरी डिटेल खबर आपको हम बताएंगे। यदि आप भी रिलायंस जियो की सिम का उपयोग करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि रिलायंस जियो ने जियो वाईफाई सर्विस को लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद बिना नेटवर्क के भी आप कॉलिंग का मजा ले सकेंगे बिल्कुल फ्री। यदि आपके पास भी पुराने सोने के आभूषण पड़े हुए तो सरकार की ओर से एक बड़ा नियम निकल कर आ रहा है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। और इसी के साथ में मौसम विभाग की ओर से एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसके अंतर्गत अगले 48 घंटों में देश के कई राज्यों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। और इसी के साथ में मौसम का मिजाज क्या रहेगा, यह भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, ऐसी तमाम बड़ी खबरों को हम जानेंगे, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप रोज खबरों से अपडेट रह सकेंगे। चलिए तो रुक करते हैं पहली खबर की। तो बच्चों के लिए बेहद ही घातक है वायु प्रदूषण, सिजोफ्रेनिया का सबसे बड़ा है खतरा। जी हाँ दोस्तों, वायु प्रदूषण हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यह तो हम सभी को मालूम है। अब शोधकर्ताओं के हालिया अध्ययन में पता चला है कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। और इस अध्ययन में कहा गया है कि वायु प्रदूषण के उच्च स्तर की चपेट में आने वाले बच्चों में सिजोफ्रेनिया के बढ़ने का खतरा अधिक होता है। सिजोफ्रेनिया एक तरह की मानसिक बीमारी है, जो कि किसी व्यक्ति को सोचने, समझने, एहसास करने और व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। और इंसानों के अंदर इस तरह की मानसिक बीमारी होने का खतरा 2% तक का रहता है। तो यदि आप भी ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है, तो अपने बच्चों की सुरक्षा का ज्यादा ध्यान रखिएगा। अध्ययन में कहा गया है कि बच्चों को वायु प्रदूषण वाली जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, या फिर उन्हें मास्क पहनाकर ही बाहर भेजना चाहिए। चलिए तो अगली खबर है, 1 फरवरी 2020 को पेश होगा आम बजट। निर्मला सीतारमण बदल चुकी है 159 साल से चली आ रही परंपरा। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट 1 फरवरी 2020 को पेश करने वाली है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को इस बात की घोषणा कर दी है। और इस बजट सेशन की तैयारी पूरी जोरों से हो चुकी है, इस बजट से सभी को उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इकोनॉमी की ग्रोथ को पटरी पर लाना है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस परंपरा को बदल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इस बजट की कॉपी लेकर निकली और उनके हाथों में लाल सूटकेस की जगह पर लाल रंग के कपड़े में बजट की कॉपी लिपटी हुई नजर आई थी। और इसी चीज को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब आप भी बजट के लिए दे सकते हैं अपने सुझाव, पीएम मोदी ने दिया ये खास मौका। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वित्त वर्ष के लिए संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट के लिए आम लोगों से विचार और सुझावों को आमंत्रित किया है। पीएम मोदी ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि केंद्रीय बजट 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीयों को विकास की दिशा में आगे बढ़ाता है। मोदी ने लिखा कि मैं आप सभी को मेरी सरकार के इस वर्ष के बजट के लिए आपके विचारों और सुझावों को साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। उन्होंने ट्वीट के साथ में मेरी सरकार का केंद्रीय बजट पोस्ट को भी साझा किया, जिसमें किसानों, शिक्षक और अन्य लोगों से मूल्यवान विचारों को भेजने की अपील की है। तो यदि आपके मन में भी बजट को लेकर कुछ विचार अथवा सुझाव है, तो सीधा आप पीएम नरेंद्र मोदी को लिंक भेज सकते हैं और इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। चलिए तो आज की अगली खबर है, 4 घंटे तक चलेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, प्रेग्नेंट महिलाएं रखें इन बातों का खास ध्यान। जी हां दोस्तों, आगामी 10 जनवरी 2020 को यानी कि शुक्रवार को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और ये चंद्र ग्रहण 10 जनवरी रात 10:37 मिनट से लेकर 11 जनवरी 2:42 मिनट यानी कि रात के 2:42 मिनट तक चलेगा। और इसका मतलब है कि साल का पहला चंद्र ग्रहण लगभग 4 घंटे 5 मिनट तक रहेगा। तो ऐसे में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजें जैसे कि चाकू, कैंची, सुई का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और चंद्र ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। चलिए तो अगली खबर है, रिलायंस जियो ने शुरू की वाईफाई कॉलिंग सर्विस, ग्राहकों को होंगे ये फायदे। जी हां दोस्तों, अगर आप भी रिलायंस जियो की सिम का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल रिलायंस जियो की तरफ से वाईफाई कॉलिंग की सुविधा शुरू की गई है। जियो की वाईफाई कॉलिंग की मदद से आप बिना नेटवर्क के भी वाईफाई और वॉइस कॉलिंग के साथ वीडियो कॉल का मजा ले सकेंगे और इसकी अधिक जानकारी जियो की वेबसाइट पर भी दी गई है। इसके अलावा 150 डिवाइस में यह सेवा काम करेगी। चलिए तो अगली खबर है, पहले से खरीदे गहनों की कराले हॉलमार्किंग, नहीं तो बेचना होगा कठिन। जी हां दोस्तों, सरकार ने साल 2021 से सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब यह है कि ज्वेलर्स बिना हॉलमार्किंग के गहने नहीं बेच पाएंगे। यानी कि अब तक सोने के गहनों पर जो हॉलमार्किंग का नियम था वह स्वैच्छिक था, यानी कि ज्वेलर्स अपनी मर्जी से हॉलमार्किंग करते थे। तो ऐसे में एक रिपोर्ट के अनुसार
अनुसार भारत में मात्र 40% आभूषणों के ऊपर ही BIS की हॉलमार्किंग की गई है। तो ऐसे में अगर आपके पास भी सोने के आभूषण पड़े हुए पुराने वाले तो उनके ऊपर भी हॉलमार्किंग करवा लीजिएगा, वरना आपको बेचने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसके लिए आपके पास साल 2021 का समय है। BIS हॉलमार्किंग की मदद से असली और नकली सोने की पहचान की जाती है और आपके पास जो आभूषण है वो कौन से कैरेट के इसकी जानकारी भी BIS हॉलमार्किंग से मिल पाती है। इसलिए सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया है ताकि लोग धोखे से बच सके। चलिए तो अगली बड़ी खबर है, विदेशी प्याज आने से मिलेगी राहत, राज्यों को 58 रुपए किलो तक देगी सरकार। जी हां दोस्तों, प्याज की आसमान छूती कीमतों पर अब कुछ राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है। अब तक 12,000 टन प्याज विदेश से आ चुका है जिसको सरकार देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचाएगी और इनका भाव 49 रुपए से लेकर 58 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकता है। तो ऐसे में सरकार जल्दी प्याज की कीमतों से राहत दे सकती है। चलिए तो अगली खबर है, पटना में भारी ठंड के कारण स्कूलों का समय बदला, 12 जनवरी तक कक्षा 5 के बच्चों की छुट्टी। जी हां दोस्तों, बिहार के पटना में जिला अधिकारी ने बढ़ती हुई ठंड और न्यूनतम तापमान को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय बदल दिया है। जिला अधिकारी का कहना है कि बढ़ती ठंड के कारण बच्चों की सेहत पर खराब असर न हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है। जिला अधिकारी ने बताया कि नर्सरी से कक्षा 5 तक पढ़ने वाले बच्चों को 12 जनवरी तक स्कूल नहीं आना पड़ेगा, वहीं कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को 9 जनवरी से 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल आना होगा। चलिए तो बात करें भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव की। सबसे पहले हम जानेंगे 22 कैरेट के अनुसार सोने का ताजा भाव। तो 1 ग्राम के अनुसार 4,010 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 32,080 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 40,100 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 4,01,000 रुपए 22 कैरेट गोल्ड का दाम चल रहा है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,128 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 33,024 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 41,280 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 4,12,800 रुपए 24 कैरेट गोल्ड का दाम चल रहा है। चलिए तो आज का सामान्य ज्ञान का छोटा सा प्रश्न है कि लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था, इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के भाव की, तो देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन पर दी गई। बात करें चांदी के भाव की, तो अमेरिका और ईरान के बीच में संकट की स्थिति के बीच में ही चांदी का भाव 760 रुपए उछलकर 49,560 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। चलिए तो आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये खबरें कैसी लगी। आपके पास अगर कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट करके जरूर बताइए।